जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है और उसी मौसम को ध्यान में रखते हुए रेलवे ट्रेनों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर रही है। आपको बताने वाला हूँ उन सभी ट्रेनों में से एक नई ट्रेन है और कुछ ऐसे भी ट्रेन हैं जो पहले से चलती थी यानी लॉकडाउन के कारण उस प्रभावित हैं। वैसे ट्रेन के नाम बताने वाला हूँ जो ट्रेन नए ट्रेन हैं यानी कि इस पर्व के त्यौहार पर नए ट्रेन का सौगात मिली है। ऐसे कुछ ट्रेनें हैं जिसमें टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुका है। तो इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहली जो ट्रेन है, ट्रेन संख्या 082595 दुर्ग से रक्सौल के लिए, जो पहले भी मैं इसके बारे में बताया था, जो ट्रेन मात्र एक दिन चलेगी यानी वन वे ट्रेन है, यानी एक ही ट्रिप चलेगी, सिर्फ दुर्ग से रक्सौल और रक्सौल से दुर्ग ये ट्रेन नहीं चलेगी। इसका बुकिंग भी अब शुरू हो चुका है, ये आज से ही चलने वाली है, 6 नवंबर से ही। ये जासीडीह किऊल बरौनी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के रास्ते रक्सौल को जाएगी। अगली ट्रेन है 082596 दुर्ग से पटना के लिए चलने वाली, ये पटना के लिए ट्रेन है और ये भी वन ट्रिप चलेगी, ये दुर्ग से पटना के लिए ही चलेगी, पटना से दुर्ग के लिए ये भी नहीं चलेगी। और इसका जो गाड़ी संख्या है 082596 और ये 7 नवंबर से चलेगी, यानी टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुका है, आप इसका टिकट भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर 23 कोचेज होंगे इसमें। और इसके रूट की बात करें तो इसके रूट में ये भी वाया रायपुर, बिलासपुर, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, पुरुलिया, आसनसोल, मधुपुर, जसीडीह, किऊल, बख्तियारपुर, पटना साहिब के रास्ते पटना तक जाएगी। और दोस्तों, अगली ट्रेन की ओर बढ़ते हैं और अगली ट्रेन यशवंतपुर से जयनगर के लिए चलने वाली है और ये भी मात्र वन ट्रिप चलेगी ये ट्रेन, यानी यशवंतपुर से जयनगर के लिए ही चलेगी। और दोस्तों, इसका जो ट्रेन संख्या है 06611, इसका भी टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है, आप इसका भी टिकट ले सकते हैं। ये 7 नवंबर से चलेगी यानी कल से। और इसके रूट की बात कर लेते हैं तो ये यशवंतपुर से 11 बजे खुलेगी, 11 बजे दिन को, दोपहर को खुलेगी और ये जयनगर 11 बजे पहुंचा देगी। ये भी वाया भुवनेश्वर, कटक, आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, जासीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा के रास्ते ये भी जाएगी। बढ़ते हैं, अगली ट्रेन रक्सौल से है, रक्सौल से हैदराबाद के लिए और फिर हैदराबाद से रक्सौल के लिए। जो नई ट्रेन है, जो पहले से भी एक ट्रेन चल रही है जिसका ट्रेन संख्या है 07005 और 07006, लेकिन उसके अलावा एक नई ट्रेन चलने वाली है 07003, 07004 जो चलेगी हैदराबाद से 16 नवंबर को, रक्सौल से 21 नवंबर को। तो 07003 ये हैदराबाद से खुलेगी 22:05 पर यानी रात को और ये रक्सौल पहुँचेगी 16:30 पर। और यही रक्सौल की बात करें तो रक्सौल से 3:25 पर रवाना होगी दोपहर को और ये हैदराबाद पहुँचेगी 22 बजे रात को। तो ये रक्सौल से चलने के बाद सीतामढ़ी, कमतौल, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, झाझा, जासीडीह, मधुपुर, चितरंजन, धनबाद, राजोबरा, बोकारो, स्टील सिटी, मुरी, रांची, राउरकेला, झरसुगुड़ा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, बलहरसा, सिरपुर, कागजनगर, मंचेरियल, काजीपेट, सिकंदराबाद के रास्ते हैदराबाद तक जाएगी। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, जो ट्रेनें अभी चल रही है हैदराबाद के लिए सेम वैसा ही रूट रहने वाला है। ट्रेन है जयनगर से रांची की जाने वाली रांची जयनगर स्पेशल। ये ट्रेन पहले से भी एक ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई थी जो 18 नवंबर को चलने वाली थी, वो भी मात्र एक ट्रिप, लेकिन अभी इस ट्रेन में बदलाव किए गए हैं और ये ट्रेन अब इसके 2 ट्रिप और बढ़ा दिए गए हैं यानी 2 दिन और चलेगी। अब इसके बाद बताते हैं, यह ट्रेन संख्या है 02821 और 02822 जो रांची से जयनगर और जयनगर से रांची के लिए चलेगी और ये रांची से 16:10 पर रवाना होगी और ये जयनगर को पहुंचेगी 7 बजे और यही जयनगर से ये रवाना होगी 9 बजे सुबह को और ये रांची पहुंच जाएगी 23:40 पर। तो ये रांची से 16 नवंबर को चलेगी और यही जयनगर से 17 नवंबर को चलेगी और 21 नवंबर तक चलेगी। अगली ट्रेन है वो भी रांची से ही है, रांची से जयनगर के लिए, जिसका ट्रेन संख्या अलग है, ट्रेन संख्या 02881 02882 21 नवंबर से चलने वाली है और ये रांची से और जयनगर से ये 22 नवंबर को चलने वाली है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहने वाला है समय और ठहराव में। अगली ट्रेन की ओर रुख करते हैं। अगली ट्रेन है, इसका ट्रेन संख्या है 07001 सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए चलने वाली है, पूर्णतः आरक्षित ट्रेन जो मात्र एक ट्रिप चलेगी और ये दरभंगा से सिकंदराबाद के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन के माध्यम से नहीं जा सकते हैं, जिसका ट्रेन संख्या है 07001 जो चलेगी 7 नवंबर को यानी कल
शनिवार को और ये सिकंदराबाद से रवाना होने वाली है 21:40 पर और ये दरभंगा पहुंचेगी 11:30 पर। इसका भी टिकट बुक कर सकते हैं। अगली ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। अगली ट्रेन है कांचीगुड़ा से सहरसा के लिए। ये एक नई ट्रेन है, हैदराबाद के कांचीगुड़ा से सहरसा के लिए चलने वाली है। ये भी मात्र एक ट्रिप ही चलेगी। ये ट्रेन कांचीगुड़ा से 7 नवम्बर को चलने वाली है। यदि आप सहरसा से कांचीगुड़ा जाना चाहते हैं तो इस ट्रेन के माध्यम से आप नहीं जा सकते हैं, तो कांचीगुड़ा से 16:00 खुलेगी और ये सहरसा पहुंचेगी 23:15 पर। इसके से चलने के बाद काजीपेट, रामागुंडम, बलहरसा, गोंदिया, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगड़ा, राउरकेला, पुरुलिया, आसनसोल, झाझा, बरौनी, खगड़िया होते हुए सहरसा तक जाएगी। ये 7 नवंबर से चलने वाली है। इन सभी ट्रेनों का लिस्ट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस लिस्ट को देखकर समझ सकते हैं। अगली ट्रेन के बारे में पहले बता चुका हूँ। इस ट्रेन के बारे में पहले इसका अप्रूवल नहीं मिला था, अब इसका भी अप्रूवल मिल गया है। ये ट्रेन है आनंद विहार टर्मिनल से सहरसा के लिए चलने वाली है और इसका समय की बात करें तो ये आनंद विहार से 11:10 पर रवाना होगी और ये सहरसा पहुँचेगी 11:30 पर अगले दिन। और यहीं सहरसा से 14:30 पर रवाना होगी और फिर अगले दिन आनंद विहार पहुँचेगी 13:45 पर। इसका ट्रेन संख्या है 044-32-044-31। इसके रूट की बात करें तो इसका रूट भी पहले जैसा ही है। सहरसा से चलने के बाद बख्तियारपुर, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, दालसिंहसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के रास्ते जाने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मुजफ्फरपुर के लिए भी एक फायदे वाली है और हाजीपुर, छपरा, सिवान, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद के रास्ते ये भी जाएगी। दोस्तों ये आनंद विहार से पहली बार चलने वाली है 8 नवंबर को और ये चलेगी 22 नवंबर तक, यानी कि टोटल 3 ट्रिप चलने वाली है। और ये भी सहरसा से 9 नवंबर को पहली बार चलेगी और 23 नवंबर को अंतिम बार चलेगी। ये भी कुल 3 ट्रिप लगाने वाली है। तो ये सुपर फास्ट कैटेगरी के है और ये सामान्य के 6 और स्लीपर के 12 और SLR के कुल मिलाकर के 20 कोचेज रहेंगे। तो दोस्तों इसका भी टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है, इसका भी टिकट आप ले सकते हैं। दोस्तों अगली ट्रेन है रक्सौल से। यहाँ पर रक्सौल और सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के लिए एक नई ट्रेन साबित होने वाली है। नंबर है सद्भावना एक्सप्रेस। जो ट्रेन पहले चलती थी लॉकडाउन के कारण प्रभावित है और आनंद विहार से 16:25 पर रवाना होती है दोपहर को और फिर ये रक्सौल पहुंचती है 22:10 पर रात को। वहीं रक्सौल से 23:40 पर रवाना होती है, आनंद विहार को पहुंचती है 4:50 पर सुबह को, जिसका ट्रेन संख्या है 044-26-044-25। इसका ट्रेन संख्या में बदलाव किया गया है सद्भावना एक्सप्रेस के। वहीं रक्सौल से चलने के बाद घोड़ासहन, बैरगनिया, सीतामढ़ी, रूनी सैदपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सुरेमानपुर, गाजीपुर सिटी और निहार वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, मुरादाबाद, गाजियाबाद के रास्ते आनंद विहार तक जाएगी। और दोस्तों ये ट्रेन 10 नवंबर से चलने वाली है और 10 नवंबर से 22 नवंबर तक ये चलेगी, टोटल 10 ट्रिप चलेगी। वहीं रक्सौल से बात करें तो ये 11 नवंबर से चलने वाली है और अंतिम बार ये 23 नवंबर तक चलेगी और रक्सौल से भी मंगलवार रविवार को छोड़कर सभी दिन चलती है। दोस्तों अगली ट्रेन है कटिहार के लिए। दोस्तों कटिहार के लिए एक नई ट्रेन मिली है आनंद विहार के लिए और दोस्तों ये ट्रेन कटिहार से चलने वाली है 22:45 पर और वहीं आनंद विहार पहुंचा देगी 2:55 पर अगले दिन। और यह आनंद विहार से चलने वाली है 15:20 पर और वहीं पहुंचा देगी अगले दिन कटिहार 19:55 पर, जिसका ट्रेन संख्या है 044-24-044-23। जो ट्रेन चलने वाली है 10 नवंबर से और चलेगी 22 नवंबर तक और वहीं कटिहार से चलने वाली है 11 नवंबर से और चलेगी 23 नवंबर तक और यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी। अगली ट्रेन है, अगली ट्रेन को रुख करते हैं। और दोस्तों अगली ट्रेन है दानापुर से, दानापुर से आनंद विहार के लिए और आनंद विहार से दानापुर के लिए, जिसका ट्रेन संख्या है 032-58-032-57। रोजाना यह चलेगी और ट्रेन ये पहली बार चलेगी 10 नवंबर से और चलेगी 30 नवंबर तक। जो दानापुर आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस। अगली ट्रेन की ओर रुख करते हैं। अगली ट्रेन है सहरसा से, सहरसा से आनंद विहार के लिए चलने वाली है सहरसा आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस, जो चलती थी सप्ताह में एक बार और ये ट्रेन जिसका ट्रेन संख्या है 055-29-055-30, जो चलने वाली है 11 नवंबर से पहली बार और चलेगी अंतिम बार 25 नवंबर तक सहरसा से। और वहीं आनंद विहार से चलने वाली है पहली बार 12 नवंबर को और अंतिम बार चलेगी 26 नवंबर को। दोस्तों ये बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, कप्तानगंज, गोरखपुर के रास्ते ये जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर
मोतिहारी और बेतिया वाले के लोगों के लिए एक खास तोहफा साबित होने वाला है। अगली ट्रेन के रुख करते हैं। अगली ट्रेन है दरभंगा से अमृतसर को चलने वाली जननायक एक्सप्रेस, और उसके बारे में विस्तार से बताया हूँ, वहाँ पर आप जाकर इसका विवरण देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका ट्रेन संख्या है 05/11/05/12 जो चलने वाली है रोजाना, और ये चलेगी 10 नवम्बर से और अंतिम बार चलेगी दरभंगा से 30 नवम्बर तक। और दोस्तों वहीं अमृतसर से चलने वाली है 12 नवम्बर को और अंतिम बार चलेगी 2 नवम्बर तक। जो चलती है वह समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज के रास्ते ये भी ट्रेन जाती है। अगली ट्रेन है सहरसा से अमृतसर को चलने वाली सहरसा अमृतसर जनसाधारण, जिसका ट्रेन संख्या है 05/32/05/31। ये सहरसा से बात करें तो ये 15 नवंबर को पहली बार चलेगी और अंतिम बार 29 नवंबर तक चलेगी। वहीं अमृतसर से बात करें तो 16 नवंबर को चलने वाली है और अंतिम बार 30 नवंबर तक चलेगी। वाया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, भटनी, गोरखपुर, गोंडा के रास्ते ये भी ट्रेन जाती है। तो अगली ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। अगली ट्रेन है जयनगर से मनिहारी को चलने वाली जानकी एक्सप्रेस, जो चलती है पैसेंजर ट्रेन ही है लेकिन इसको एक्सप्रेस ट्रेन मानते हैं। ट्रेन जो चलने वाली है पहली बार 10 नवंबर से। अगली ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन है हुबली से कटिहार के लिए, इसका ट्रेन संख्या है 07/03/03 जो चलने वाली है मात्र एक ट्रिप, ये चलेगी 6 नवंबर से यानी आज के दिन ही ये चलने वाली है और इसका टिकट बुकिंग आप कर सकते हैं। वाया काचीगुड़ा, काजीपेट, सिरपुर, कागजनगर, बालहरसा, नागपुर, जबलपुर, कटनी, सतना, आरा, पटना, बरौनी के रास्ते कटिहार तक जाएगी। दोस्तों ये हुबली से 21:30 पर रवाना होने वाली है, कटिहार पहुंचेगी 21:30 पर अगले दिन। दोस्तों अगली ट्रेन है, नई ट्रेन है एक, और वह नई ट्रेन नई दिल्ली से दरभंगा के लिए चलने वाली है और ये ट्रेन भी मात्र एक ट्रिप ही चलने वाली है। और दोस्तों इसके ट्रेन की बात करें तो ये 6 नवंबर को ही चलने वाली है और आज से ही ये ट्रेन चलेगी और इसका टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुका है। ये नई दिल्ली से प्रस्थान करी 20:30 पर और दरभंगा ये पहुंचेगी 18:15 पर। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के रास्ते चलने वाली है। तो दोस्तों यही थी वो कुछ ट्रेनें चलने वाली है दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर, और इन ट्रेनों के माध्यम से आप आसानी से आप और या फिर जा सकते हैं। दोस्तों एक बात और, ये सभी ट्रेनें पूर्णतः आरक्षित ट्रेन है, बिना कन्फर्म टिकट के आप इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास इन ट्रेनों से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रश्न है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।